हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द 3336 राइडर। मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं आपको ले चलता हूं अपने शहर में जो कि मैराथन दौड़ होने वाली है। तो सबसे पहले हम निकलते हैं मैराथन दौड़ की शुरुआत जहां से होने वाली है, महाराजा स्टेडियम से। तो सबसे पहले चलते हैं महाराजा स्टेडियम और वहाँ पे देखते हैं कि कैसी भीड़ है और कौन कौन से लोग आए हुए हैं, क्या इसी शहर के लोग हैं या फिर बाहर के भी लोग आए हुए हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले महाराजा स्टेडियम जो कि रमना के पास है और ये रूट हम पकड़ते हैं MJK कॉलेज वाली, ये शॉर्टकट रूट है। और वैसे ये मैराथन का भी रूट यही वाला होने वाला है, यही रूट से जो भी है दौड़ लगाने वाले वो भी इधर ही से आने वाले हैं। तो इस रूट को एक बार हम समझ भी लेते हैं। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, हम चलते हैं डायरेक्ट वहीं पे इनिशियल पॉइंट पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे सारी प्रशासन की गाड़ियाँ निकल रही हैं, DM साहब की भी गाड़ी जा रही है यहाँ से, ये सब लोग वहीं पे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस की तैनाती, चारों तरफ पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे। और यहाँ पे चेयर वगैरह भी लगी है और यहाँ पे पानी के बोतल का भी इंतज़ाम है ताकि जो दौड़ने वाले हैं वो अगर उनको प्यास लगे तो यहाँ पे जगह जगह पे पानी की भी सुविधाएँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कुछ लोग वाइट टोपी लगा के और रेड कलर के झंडे में यहाँ पे खड़े हैं। और यही वो जगह है जहाँ से मैराथन की दौड़ शुरू होने वाली है। ये हमारे लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ये महाराजा स्टेडियम है हमारे शहर का, बेतिया शहर का। तो गाइज हम फाइनली पहुंच चुके हैं। ये जो है ये बैनर लगा हुआ है नशा मुक्ति केंद्र के लिए, ये मैराथन हो रही है। मैं आपको एक बार मैं दिखा देता हूं, ये देखिए बेतिया मैराथन 2023। और यहां पे जो बोर्ड लगा हुआ है यहां पे देखिए, यहां पे आप आराम से पढ़ सकते हैं नशा मुक्त विहार जागरूकता मैराथन। तो ये होने वाला है, इसमें प्राइज़ भी है, फर्स्ट प्राइज़, सेकेंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर जो भीड़ उमड़ी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पे प्रशासन की गाड़ियाँ भी लगी हुई है, एम्बुलेंस भी लगे हुए हैं, कैप और वाइट कलर के टी शर्ट में है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यू आ रहा है, सुबह का टाइम है और सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे, चेयर भी लगी हुई है यहाँ पे। और इसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम सब यहाँ पे हरी झंडी दिखाएंगे और लड़कियों की दौड़ शुरू होने वाली है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उन्होंने झंडा दिखा दिया और ये बच्चे दौड़ना शुरू कर दिए, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इसी गेट से ये लोग सब बाहर निकल रहे हैं। देख रहे हैं यही वाली रूट है और मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे, बच्चे और बच्चियाँ दौड़ रहे हैं। ये देखिए यही रूट से ये दौड़ के गए हुए हैं और यहाँ पे वाइट मार्क भी लगा हुआ है चारों तरफ। और वो देखिए सामने बच्चे और बच्चियाँ कैसे दौड़ रहे हैं। 6 किलोमीटर का ये मैराथन होने वाला है और इसमें लगभग 10 जो है वो लड़कियों के ग्रुप से चुना जाएगा और 10 जो है वो लड़कों के ग्रुप से चुना जाएगा जो कि दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। टोटल 20 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है जिसमें 10 लड़के होंगे और 10 लड़कियाँ होंगी। और ये आप देख सकते हैं ये बच्चे कैसे दौड़ रहे हैं, ये 6 किलोमीटर की होने वाली है और रूट मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक ये आगे देखिए, यहाँ पे लड़कों की टीम भी दौड़ रही है यहाँ पे देखिए। तो रूट को रोक दिया गया है ट्रैफिक को ताकि दौड़ लगाने में कोई इनको परेशानी ना हो। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी इस दौड़ में हिस्सा लिए हैं, ये देख सकते हैं आप ये बच्चों को। यहाँ पे देख रहे हैं प्रशासन जो है चारों तरफ से ट्रैफिक को रोके हुई है ताकि बच्चों को दौड़ने में दिक्कत ना आए।
यहाँ पे देखिए सर्किट हाउस के पास यहाँ से टर्न लेना है इनको, यहाँ से ये लेफ्ट लेंगे और लेफ्ट लेके और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था और यहाँ पे लोग खड़े हैं पानी देने के लिए और ट्रैफिक को भी एक साइड में रोक रखा गया है ताकि इनको दौड़ने में कोई परेशानी ना हो। और ये लड़का जो है वो सबसे आगे है और ये देखिए मैं नजदीक से दिखाता हूँ, ये देखिए दौड़ और वहाँ पे आगे प्रशासन की गाड़ी है जो साइड में चल रही है और अनाउंसमेंट करते हुए भी चल रही है कि आप लोग ये साइड में चले ताकि बच्चों को दौड़ने में कोई परेशानी ना हो। का माहौल भी है, चारों तरफ से लोग देख भी रहे हैं कि कितनी अच्छी ये दौड़ हो रही है, ये देखिए चारों तरफ से लोग देख रहे हैं और लोगों को अच्छा भी लग रहा है और मतलब ये सही में जागरूकता मिशन है जो कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रही है कि हाँ आप नशा को छोड़ दें, ये मैसेज है। तक जो है वो दौड़ का लगभग 20% हिस्सा जो है वो कवर हो चुका है, 20-25% हिस्सा कवर हो चुका है और यहाँ से हम लोग को लेना है यहाँ से राइट टर्न और ये राइट टर्न होके फिर से जहाँ से इनिशियल जो इनकी पॉइंट थी वहाँ पे ये जाने वाले हैं। यहाँ से देखिए यहाँ से टर्न लेंगे और ये देखिए यहाँ पे स्टैंपिंग हुई है और यहाँ पे सबके बॉडी पे स्टाम्प लग रहा है। मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ आपको कि ये देखिए जो लड़का सबसे आगे था वो अभी भी फर्स्ट पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं, ये देखिए आप। और सेकंड और फर्स्ट के बीच में लगभग 200 मीटर का डिफरेंस मुझे लग रहा है, तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है सेकंड वाले को फर्स्ट आना। मुझे लग रहा है अभी तक के पोजीशन से लग रहा है कि यही लड़का जीतने वाला है, फर्स्ट पोजीशन यही लाने वाला है। मैं यहाँ से रूट को चेंज करता हूँ अपने, क्योंकि ये फिर से मैं अब चलता हूँ डेस्टिनेशन पॉइंट पे और वहाँ पे जाके आपको लाइव दिखाता हूँ कि आज की दौड़ में फर्स्ट पोजीशन होल्ड करने वाला कौन है। और यही फर्स्ट पोजीशन होल्ड करने वाला लड़का है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये दौड़ के आ रहा है, और ये फर्स्ट पोजीशन होल्ड किया है इसी लड़के ने, और ये सेकंड पोजीशन वाला बच्चा है, और ये थर्ड पोजीशन होल्डर है। ये मैं दिखा दूँ, ये देखिए वीडियो में, ये थर्ड पोजीशन होल्डर है।